अदावर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अपने डुगर प्रदेश के सारे लोगों ही दसना चाहना कि पिछले काफ़ी दिनों का जोड़ा ये स्टेट लैंड वाला रोशनी वाली जमीन का घा चराई वाली जमीन का जो मसला चला दा, असें कोशिश की कि तुसें लेटेस्ट जेकी पोजीशन है उदे कन्ने बाखबर रखा जा। बड़ा तुसें सारे ही पता कि एक डर का माहौल हा बने दा इत्थे, लोग डरे दे हे बड़े, पता नहीं बलडोजर चली जाना साढ़े मकान ढाई उड़ने, साढ़े डंगरियां से कोई जमीन नहीं रोनी। मी मते टेलीफोन आए उत्थे, साढ़ा बसंतगढ़ रांग खने, फिर उहदे बाद बनी बसोली, अपने हीरानगर, जंगलोट, कठुआ, फिर किश्तवाड़, मंडी, लोरन, थन्ना मंडी, दुदासन वाला, मेंढर, कोई ऐसी जगह नहीं है जित्थों फोन नहीं आए लोगों ने। तो पता नहीं साढ़े मकान, साढ़े कोठू बचने भी आए या नहीं। फिर तुसें पता कि असें जेड़े साढ़े विकास पुरश एलजी साहब, साढ़े मनोज सिन्हा साहब, बार बार असें इत्थे वीडियो के थ्रू उन्हें अपील भी की कि एलजी साहब गरीबें ही बख्शी उड़ो, गरीबें ही छड़ी उड़ो, बड़ी ठंड है, तुसें कोर्ट्स भी लिखी दित्ते दा कि अस गरीबें ही टच नहीं करगे, अस जिंदे खुंबे न, जिंदियां बाड़ियां न, जिंदियां जमीनां न एग्रीकल्चरल, अस उन्हें नहीं टच करगे। लेकिन मी एक चीज़ की बड़ी गै खुशी है, बड़ी मसरत है कि साढ़ा जिहड़ा मैसेज है जिहड़ा असें कन्वे किया एल जी साहब की, वह मैसेज उन्दे तक सही पजोया। तुसें दिखिया कि हुक्म यह होए दा हा कि 100% इनक्रोचमेंट हटाई उड़ो 31 जनवरी 2023 तक, तो फिर डरते पौना हा, सारा ही पेदा हा डर। लेकिन तुसें पता कि जिस किस्म दा लोकें गलबात रखी, साढ़े बाकी लोकें भी गलबात, साढ़े वकीलें गलबात रखी, साढ़े जिहड़े सोशल एक्टिविस्ट न उन्हें गलबात रखी, वकीलें गल रखी, साढ़े मीडिया के जिहड़े कर्मी उन्हें गलबात रखी। लेकिन अल्टीमेटली जिसी अस अंग्रेजी चाहने कि सरकार च बैटर सेंस प्रिवेल हुई, और अल्टीमेटली कल एल जी साहब का एक बयान आया, एल जी साहब ने स्पष्ट लफ्जों च आखी उड़िया कि नहीं जनाब, गरीबें के मकान जड़े ने उन्हें ढाए जाग। अज मैं थोड़े कहने की रूबरू हो ना, अज एक सुप्रीम कोर्ट भी एक याचिका लगी थी, उत्थों भी बिंद हारी ऑब्जरवेशन आई है कि भाई जेके मकान नहीं ढाने, उन्हें ओरली यह गल आखी है सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने। हालांकि वो जी याचिका ही कोई 5 बंदे की ही रजौरी का, तो सुप्रीम कोर्ट ने आख्या कि इन्हें 5 बंदे के मकान शकान नहीं ढाने। लेकिन एक जनरल इं उन्हें जवानी सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जरवेशन है कि भाई मकान नहीं ढाने। तो मैं सोचा कि नहीं थोड़े कहीं 3-4 मिनट गल की जा, तुसें आश्वासन दिता जा, सहारा दिता जा, क्योंकि मैं पता है कि मकान बनाना बड़ा औखा काम है। और तुसें पता है डे वन कला जदों का यह सिलसिला स्टार्ट हो, असें बोलना यह शुरू किया कि भाई जिंदे को एक मकान है, भाएं वह 5 मरले है, भाएं वह 10 मरले है, तो भाएं वह कनाल च है, लोगों के मकान जोड़े बनी चुके हैं 20-20 साल के, 30-30, 40-40 साल के जोड़े लोग रवा दे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ ने दुकान है बनाई दी, कुछ ने टी स्टॉल है बनाया था, कुछ ने छोटा जहा स्टोर है बनाया था, ठीक है। तो ये चीज़ जेकी है एल जी साहब ने क्लीयर करी उड़ी है। तो मैं सोचा कि नहीं साफ और स्पष्ट लफ्जें च जेड़े साढ़े दूर दराज के लोग जेड़े मैं दूरा दूरा कॉल करते पुछदे मी शकील जी क्या होना, साड़ी दुकान बचग, साड़ा कुला बचग या नहीं। तो बस मैं अज सोचा कि बस थोड़े 3-4 मिनट ज़्यादा नहीं, लम्मी ज़्यादा गल नहीं करनी, भी मज़ा भी नहीं आता। तो मैं सोचे कि अज थोड़े कहने ये गल की जा कि साड़ी गलबात रब ने सुन ली है, हुकूमत की भी एहसास होया और स्पष्ट हुई है कि कुछ भी गरीब आदमी की, कुछ भी छोटे दुकानदार की, या जिहदा एक मकान है, जिहदे कोल जमीन खुंबा है, या कोई 5 कनाल 10 कनाल कोई एग्रीकल्चर लैंड है, उसी परेशान होने की कोई लोड़ नहीं। बाकी सरकार कार्रवाई करे, जिहड़े बक्के जिहड़े मगरमच्छ जिहड़े VVIP एनक्रोचर जिंदे कोल हजारां कनाल दे हिसाब नाल जमीन है, सरकार करे कार्रवाई, असें कोई आपत्ति नहीं है। बस भाई मैं थोड़े कन्नै इन्नी गै गल करनी, थोड़ा मता मता धन्यवाद।